हुए कि नहीं कली जिस काम के लिए जाए और वो पूरा रहो असंभव। बड़ी घोषणाएं की थी उस महाविष्णु ने क्षीर सागर में, बड़े बड़े प्रलोभन दिए थे, पर हम भी कली हैं, ऐसे ही इस युग के राजा नहीं हैं। हमने बड़ी चतुराई से ब्रह्मा से ऐसा वरदान ले लिया है कि अब देखते हैं कैसे बचते हैं ये कल्कि भक्त। चटुक भटुक, चटुक भटुक। यस बॉस। जो भी इस कल्कि की भक्ति करे उसके अनंत जन्मों का लेखा जोखा ले जाना उस महाविष्णु के दोनों चमचों जय विजय के पास। ओके बॉस, ले जाएंगे, अवश्य ले जाएंगे। और मूर्खो, कह देना उनसे इन सभी का भुगतान हमें इसी जन्म में चाहिए। ये पूरी पृथ्वी भोग भूमि है, यहाँ हमारा एक छत्र राज है। केवल भारत की कर्म भूमि पर हमारी जड़ें नहीं जम पा रही, क्योंकि इस तप भूमि की जड़ें सनातन धर्म वेद ब्राह्मण गौ और वो विष्णु है। बॉस, वो विष्णु इंडिया की इस भूमि को अपना घर कहता है। हाँ बॉस, जब भी इस भारत भूमि पर कोई संकट आता है वो फौरन प्रकट हो जाता है। लेकिन हम भी इस युग के राजा हैं, वो विष्णु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर बॉस, विष्णु ने तो क्षीर सागर में घोषणा कर दी है कि वो कल्कि अवतार लेकर आपका साम्राज्य समाप्त कर देगा। और बॉस, उस विष्णु की बातों में आके सारे देवता पृथ्वी पर जाकर उसका पूजन करने लगे हैं। मूर्ख है वो विष्णु और समस्त देवता हमसे टक्कर लेंगे, हमसे। मैं ऐसा वार करूंगा कि साहब भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन बॉस, ऐसा कौन सा वार करेंगे आप? और वो कैसे बॉस? विष्णु कल्कि रूप में तभी तो आएगा जब उसकी पुकार होगी। जब उसकी पुकार ही नहीं होगी तो वो आएगा कैसे?